फाटी 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 आंसू फाटी हैज़ वॉन ओवर दी हार्ट्स। और इस रीसेंट परफॉर्मेंस के साथ एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई है कि आंसू फाटी इज नो लॉन्गर अ यंग प्रोस्पेक्ट, ही इज़ अ प्रोडिजी। वो प्रोडिजी है। अगर हमारे पास लियोनेल मेसी एज आर किंग है, वी नाउ हैव द यंग प्रिंस आंसू फाटी विद अस। सो दिस ब्रिंग्स मी टू एन क्वेश्चन कि डू वी रियली नीड एम्बापे इन आवर टीम इफ वी हैव आंसू फाटी एंड ही इज डिलीवरिंग इन मैनी परफॉर्मेंसेस। भाई अगर तुम लियोनेल मेसी की बात करोगे, 17 साल की उम्र पे लियोनेल मेसी वॉज स्मैशिंग गोल्स एंड सेम आंसू फाटी इज डूइंग द फिनिशिंग, द कंपोजर, एवरीथिंग इज टॉप नॉच इन दैट गाय। एंड दैट गाय हैज बॉल्स टू स्कोर गोल्स, टू शूट, नॉट टू पास इन द फाइनल थर्ड। ही हैज द बॉल्स, ही हैज द करेज, ही हैज द कंपोजर टू फिनिश द बॉल इन टू द अपोनेंट्स नेट। And this is why Ansu Fati is winning over hearts. Overall, केवल Ansu Fati की नहीं, overall the performance was very brilliant by the whole FC Barcelona team. इस मैच के बाद one thing was very clear that the time for experiments is over now. Ronald Koeman का ये मैच was not a part of the experiment. It was a very well executed plan and it paid off really well. The team which they played, I was very surprised to again seeing Ansu Fati and Coutinho, but Ronald Koeman as a manager excels in here for me. एक मैच जहाँ पे हमने देखा Ansu Fati और Coutinho एक साथ खेल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। Ronald Koeman learned from his mistakes. He didn't change the team, but he changed his philosophy. He didn't change the players. He didn't change the positions, but he changed his tactics. बंदे ने ना ही प्लेयर चेंज करी, ना ही पोजीशन चेंज करी, played same players with different philosophy. And it really paid off. मैंने कई बार कहा है कि Coutinho और फाटी एक साथ नहीं जम रहे थे, बॉक्स में दोनों एक साथ रन कर रहे हैं। इट डज नॉट मेक्स एनी सेंस टू मी। इधर प्ले इधर की गिव टाइम टू ट्रिंकाओ और फाटी। बट रोनाल्ड कोमेन ने सबको गलत प्रूव किया, अपने टैक्टिक्स चेंज करे, दोनों बंदों को इतने प्यारे से इस्तेमाल किया। बस यही मैं बात कहता हूँ, रोनाल्ड कोमेन इज अ टैक्टिकल जीनियस। The team which they played was very unpredictable. ठीक है, मतलब जो उन्होंने चालू किया 4-3-3 से, everybody was expecting कि 4-2-3-1 देखने को मिलेगा as we seen in the pre-seasons, but नहीं, 4-3-3। और जैसे ही मैच चालू होता है पोजिशन चेंज हो जाते हैं। मेसी इज प्लेइंग एज अ सेंट्रल रोल, Coutinho ड्रॉप डाउन, फाटी इज प्लेइंग ऑन अ वाइड, मैसी नंबर 10 खेल रहा है बट ही इज प्लेइंग एज अ फॉल्स 9। और मैं वो तुमको दिखाता हूँ अगली स्लाइड में, तुम देखो मैसी जो है वो अंदर घुस रहा है, मैसी अंदर घुस रहा है। ये देखो 9:53 है, मैसी अंदर घुसने वाला है। एक पास निकल के आती है डिजोंग की तरफ से और मैसी अंदर घुसता है, उस पास को लेता है, तभी Ansu Fati और Coutinho आगे रन करते हैं। एंड दिस अगेन ब्रिंग्स मी कि भाई Coutinho एंड फाटी फिर से बॉक्स में, हाउ विल दिस वर्क। बट Coutinho इज प्लेइंग रियली वेरी वेल। वो बॉल लेता है, अंदर जाता है, फाटी को पास करते हैं और वो घुसता है बॉक्स में। वन एट अ टाइम वाला सीन चल रहा है, या तो फाटी घुसेगा या तो Coutinho घुसेगा। एंड दिस इज वॉट ब्रिलियंस यू नो Ronald Koeman इज ब्रिंगिंग बाय यूजिंग बोथ ऑफ द प्लेयर्स। एक तरफ फाटी जो है वो यू नो वाइड खेल के प्लेयर्स को पकड़ लेता है, जो उनके लेफ्ट बैक्स राइट बैक से उनको एंगेज रखता है, अपने साथ दौड़ाता है और Jordi Alba रन बनाता है। फाटी अंदर घुसता है बॉक्स में, बॉल लेता है, बॉल पास करता है Coutinho को, Coutinho पास करता है फाटी को, फाटी पास करता है मैसी को, मैसी पास करता है Griezmann को, Griezmann वापस पास करेगा मैसी को और फिर मैसी ट्राई करता है फिनिश करने को। दिस इज वॉट वी वॉन्टेड टू सी फ्रॉम बार्सिलोना और वो हमको देखने को मिली। द टिकी टाका इज बैक वंस अगेन। मैसी प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, बहुत प्यारा खेल रहा था। ही वॉज ड्रॉपिंग इन डीप, भाई डिफेंस के साथ भी हेल्प करने के लिए घुस रहा था। दिस वॉज वेरी ब्रिलियंट फ्रॉम लियोनेल मेसी, ही प्लेड अ वेरी वेरी नाइन फॉल्स नाइन पोजिशन। बट द सीन इज द कैच इज नॉट एफ सी बार्सिलोना प्लेड रियली वेल बट Villarreal प्लेड लाइक शेट। उसकी पोजिशनिंग बहुत खराब चल रही थी, देयर होल्डिंग मिडफील्डर्स वेयर सिटिंग डीप डाउन इन द बार्सिलोना डिफेंस और वो स्पेस बना दे रहे थे बार्सिलोना के लिए। एंड इफ बार्सिलोना हैज दिस इमेंस टैलेंट, जहाँ Coutinho है, मैसी है, Griezmann है, फाटी है, दे हैव पेस, दे हैव टैलेंट, दे हैव यू नो फिनिशिंग एबिलिटीज, आप स्पेस नहीं दे सकते हो टीम को। बट Villarreal गेव स्पेसेस एंड
वो कॉस्ट कर गई उनको. दिस वॉज द ब्रिलियंट गोल. अ ब्यूटिफुल पास केम फ्रॉम लैंगलेट टू कटिन्यो डायरेक्ट. कोई खड़ा नहीं है, 3v3 हो रहा है. मैसी एंड कटिन्यो एंड ग्रीज़मैन इज स्टैंडिंग अप. कटिन्यो बहुत प्यारा रन लेता है फ्रॉम द मिड ऑफ द पिच, पासेस इट टू फार्टी. ब्रिलियंट डिसीजन बाय फार्टी. एंड दिस इज वेयर फार्टी अर्न्स हिज रिस्पेक्ट, हिज फैंस. बॉल्स है भाई के पास कि वो वापस बैक पास नहीं करेगा कटिन्यो को, वापस बैक पास नहीं करेगा मैसी को, रेदर देन ही फिनिशेस विद अ वेरी कोल्ड फुट एंड बैम फर्स्ट गोल अंसु फाटी. एंड दिस इज व्हाट आई एम लविंग अबाउट अंसु फाटी, दैट ही हैज़ द बॉल्स, ही हैज़ द करेज टू फिनिश ऑफ, टू टेक द शॉट एंड एग्जीक्यूट इट रियली वेल. दिस इज वेयर फाटी इज एक्सेलिंग फॉर मी. And this is what Lionel Messi did when he was in 17, 18, 19. Bande ke andar dam tha ki wo goal marta tha. And by scoring goals for your team, you earn that place, you earn that respect which we all are now giving to Ansu Fati. And bas yehi baat hai. He's no longer a prospect, he's a prodigy. I was always reluctant to say ki Jordi Alba bahut aage daudta hai, why is this happening, aisa waisa ye wo. But it was very well played, it was very, very well, you know, set by Ronald Koeman. Agar Jordi Alba aage ja raha hai to De Jong drop kar raha hai niche, and this is what I am loving it. Bhai midfield se wo support mil rahi hai, De Jong wapas aa ja raha hai. Busi ki taraf se बहुत गंदी परफॉर्मेंस दिखी मेरे को. आई वॉज ऑलवेज सेइंग कि बूसी को हटा दो, पिजेनिच को ला दो. एंड पिजेनिच रियली प्लेड वेल जब वो सेकंड हाफ में आया. बूसी देखो अच्छा खेल रहा था, बट भाई बूसी भाई पास नहीं निकाल पा रहा था. ही वॉज मेकिंग वेरी 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 बैड डिसीजंस इन द मिडफील्ड रदर देन. जब पिजेनिच आया, वी सॉ वॉट पिजेनिच इज हैविंग, वॉट पिजेनिच इज रेडी टू गिव टू एफसी बार्सिलोना. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दिस कि पिजेनिच जो है वो फर्स्ट टीम जुवेंटस के फर्स्ट टीम में 10 साल से खेलते हुए आ रहा है. प्री मैच में मैंने कहा था जो जेरार्ड पीके क्या स्टेप अप करेगा, ही स्टेप्ड अप. भाई ने अपना गेम दिखाया, ही प्लेड अ रियली गुड गेम. लैंगलेट वॉज ऑल्सो प्लेइंग वेरी गुड गेम. दी यू नो डिफेंसिव रोल्स विच वर गिवन बाय रोनाल्ड कोमैन टू De Jong हो गया, या फिर यू नो अंसु फाटी ही क्यों ना हो गया, दे वर रियली प्लेइंग दैट वेल. फाटी पीछे आ रहा था, De Jong पीछे आ रहा था, एंड इट रियली एक्सेल्ड फॉर मी. But the one place where I am having a lot of, you know, complaints from FC Barcelona is on the right hand side. Sergi Roberto ke paas bahut open space tha, but they were not shifting their play to right hand side. And this is what brings to me ki agar ek aisi team nikal ke aati hai jo is space ko bhi bhar leti hai, right ko bhi bhar leti hai, aap left mein to overload karoge, but right mein agar aapke liye space banane ke mauke nahi milenge, jaise humko is match mein bahut zyada mil raha tha, I guess it will be difficult for FC Barcelona. But still, brilliant performance from FC Barcelona. Everything was well settled, everything was well oiled. Bhai sahab, Coutinho and Fati was playing very brilliantly. Ek taraf Coutinho mid mein aa raha tha, central mein khel raha tha, to Fati ek taraf apne unke left back aur winger ko pakad ke rakhta hai aur Jordi Alba run banata hai aur Coutinho beech se dot karta hai. It was brilliance all over the pitch, and I'm really happy that Ronald Koeman has finally found his way in FC Barcelona. जो भी टैक्टिकल एनालिसिस कर लो, कुछ भी तुम कर लो, इट वॉज ऑल ब्रिलियंस बाय एफ सी बार्सिलोना. आई रियली होप सो कि इसी फॉर्म को लेकर के हम आगे जाएंगे. बट हाँ, दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी गुड क्वेश्चन हियर, एंड द क्वेश्चन इज डू वी रियली नीड अ नंबर 9, बिकॉज विदाउट अ नंबर 9 वी आर प्लेइंग रियली वेल. और अगर नंबर 9 आ जाता है तो मेरे ख्याल से वो जो यू नो मिडफील्ड में क्रिएटिविटी दिख रही है ग्रीज़मैन के अंदर आ जाने से और कटिन्यो के आने से, वो थोड़ी सी हैम्पर हो सकती है. तो डू वी रियली नीड अ नंबर 9? यस वी डू. व्हाई आई एम सेइंग दिस, ये मैच, ये फिलोसफी हमको लीग गेम्स जिता सकती है, हमको लीग जिता सकती है, बट टू विन UCL वी नीड टू स्कोर गोल्स, एंड अ नंबर 9 विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो. सो यस, वी नीड अ नंबर 9, एंड आई रियली होप सो दैट वी गेट अ गुड नंबर 9. बाकी अगर मैं एक बात कहूँ तो एवरी वन इज नो डाउट, सब अच्छा खेले, मैसी भी अच्छा खेला, सब अच्छा खेले, कोई बुरा नहीं खेला अपार्ट फ्रॉम बुस्केट्स की तरफ से उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मेरे को नहीं मिली. बट वन थिंग हियर टू नोटिस इज वेन वी प्लेड यू नो इन डिफेंसिव रोल, जब बॉल पोजिशन से हमारे निकल जा रही थी, आर डिफेंस, आर मिडफील्ड तुरंत वापस आते हैं, और यू नो वो चाहे रोबर्टो हो गया, जॉर्डी अल्बा हो गया, सब वापस आते हैं, सबके अंदर वो एनर्जी, वो कंपोजर नज़र आती है, और हम तुरंत स्विच करते हैं 4-4-1-1 में. एंड दिस इज़ वॉट इज़ ब्रिलियंट फ्रॉम रोनाल्ड कोमैन, कि वो पोजिशनल चेंज कर रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैच. एंड दिस इज़ वॉट आई एम लविंग इट. This is why I'm loving it.
positional change during the match is a really well played by Ronald Koeman, and I really hope so that he continues to excel like this. So this is it what I want to say about this match. Everything was brilliant. Let's enjoy the result, and we really hope so. देखो अगला match is very hard. Celta Vigo है वहाँ आसपास है, तुमको पता है आसपास कैसा खेलता है. So ठीक है देखते हैं क्या होता है. But still a brilliant performance by FC Barcelona. I'm really happy, and a brilliant performance by Ronald Koeman as well. Let's see how the next match goes. Bye. Visca el Barça. Jai Hind.